हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का व्लॉग थोड़े अलग तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं हम। रेडी स्टडी होके पूरा फिर आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाए ताकि। तो आज जाने वाले हैं मार्केट में, आज इनको कुछ शॉपिंग करवा के लेके आएंगे। मतलब मैं तो क्या, इनकी सासू शॉपिंग करवा के लेके आएगी कुछ, जो भी इनको चाहिए हॉस्पिटल के लिए, जो भी कुछ बच्चे का रह गया था वो, कुछ किचन का, कुछ कुछ और भी प्लान है इनके मार्केट में। और आज कह रहे कहीं खाना भी खाना इनको बाहर, तो कई सारी डिमांड है। तो आज मैंने फिर बड़े वाला पर्स ले लिया है, मेरा टांग लिया है, क्योंकि थोड़ा सा राशन ज़्यादा लगने वाला आज तो इसलिए। चलो भाई चलते हैं। और खाटू श्याम जी का कौन कौन भगत है भाई? चलो भाई, रेडी स्टडी गो गो। चलो ऐ शबाश, जय हर हर महादेव। चलिए जाओगे का, लिफ्ट से जाना है। चलिए 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 चलिए, निकल लिए हैं गाइस हम लोग भरी दोपहर में। पीछे बैठे मम्मी, मम्मी ऐसी ठंडा ना उड़ दे, पीछे तो गरम गरम हवा देवेगी भाई। करे ऐसी ठंडो करे भी तो नहीं निकल देगा। और आगे हम बैठे हैं, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इधर क्यों जाना है? इधर जाना है, इधर जाना है। सदर का रास्ता वो है, मेरे को बुलवा दिया तुमने इतने देर में। अच्छा हाँ। हम रास्ता ही भूल गए, रास्ता बुलवा रहे मेरे को। गाइस हम लोग जा रहे हैं सदर, और दिन में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है ना, ये अभी नहीं दिख रहा आप लोगों को, क्योंकि ट्रैफिक हम लोग क्रॉस करके आ चुके हैं। तो गाइस मार्केट में पहुंच चुके हैं, और मार्केट में पहुंचते हुए भाई मिला है चरकी दादरी से, संदीप नाम है। तो भाई मार्केट में देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, संडे का दिन है ना आज, पूरा का पूरा वो रखा है फुल। तो ये हमारे मिले छोटे छोटे प्यारे से सब्सक्राइबर, और ये है इनकी मदर क्या नाम है? रितिका। रितिका अंतिम। और ये अंश। अच्छा तीनों बहन भाई। ओके गाइस, पिछले दो घंटे हो गए हैं घूमते घूमते, और अभी तक कुछ भी नहीं लिया इन्होंने। नहीं, ले लिया सामान, ले लिया। अच्छा गाइस अब देखने के लिए आए मम्मी के लिए चप्पल, ये एक जोड़ी चप्पल पसंद करी मैंने मम्मी के लिए, साइज ही नहीं आया मम्मी यार थोड़ा साइज छोटा रह गया। तो भैया बोले ये तो मैंने सबसे बड़ा साइज दिखाया था, मैंने बोला कुछ हिस्से और बड़ा हो सकता हो, तो कह रहे हैं चलो लेके आता हूँ। बड़े साइज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, चप्पलें नहीं मिलती है। हालांकि एक जोड़ी तो हम लोग ले आए थे पहले, आज तो खैर जूती पहन रखी है, तो वो उसमें भी बड़ी मुश्किल से मिला था। अभी लेने गए हैं तो दिखाएंगे आप लोगों को। पहले मैंने ये वाली चूज़ करी थी, पर ये वाला साइज़ आया नहीं, अभी ये वाला आया तो वो वाली ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा साइज़ यही है भाई। अभी कुछ दिन बच्चे की शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, आज तो दोबारा से आज बच्चे की शॉपिंग करने के लिए आ गए हैं। चीजें याद आ रही है, ये रह गया वो रह गया मम्मी पोको पैंट्स। अच्छा एक वो भैया जो स्लीपिंग बैग होता है, और ये दुकान किसकी है वो बताओ, ये दुकान किसकी है? ये शॉप है सदर मार्केट में, सीमा गारमेंट्स करके, सीमा कलेक्शन, सीमा कलेक्शन करके। मेरी फ्रेंड जो है रेनू, उसके फादर की रेनू निक्की जो भी है, हाँ मेरे ब्लॉग में आते हैं लोग पहचान रहे होंगे तो उनके पापा की है, स्पेशली हम लोग आए हैं। तो वैसे हमने कर ली थी शॉपिंग, पर अगर अंकल की शॉप से शॉपिंग नहीं करी तो मजा कैसा। तो ये तीन कुछ यहाँ से भी, हाँ ये तो है भैया, हाँ ये तीन बहन। तो सारे जने मिल लो अंकल, तो हेलो अंकल ये बड़े शाय है। वैसे रेनू के ब्लॉग्स में देखा होगा आपने इनको, ये बिजी रहते हैं यहाँ पे, और ये बड़ी सी शॉप है। तो आप लोग पूछोगे बेबी के लिए शॉपिंग के लिए चाहिए तो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना अंकल और मेरा नाम लेकर आओगे तो डिस्काउंट भी दे दियो दीपमाला के सामने है सदर बाजार में। हाँ दीपमाला शोरूम के सामने। हाँ ये देखिए ना,
पहले ना हमारी खुद की शॉपिंग फिनिश नहीं होती थी और अब जहाँ देख रहे हैं बच्चा 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 दिखाई दे रहा है भैया येलो कलर नहीं भाई जंगल ले मंगवा रहे हैं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और ये पीने रहे हैं मम्मी पी रही है बस उधर तो शॉपिंग हो गई है डन बस अब बिलिंग करा रहे हैं और नाना करते अंकल ने इतनी चीज चूज करवा दी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी बहुत सारा आइटम हो गया हमारे पास दोबारा से अब रह गई मम्मी की चप्पल लेनी वो वाली मम्मी कह रही कुछ और देखेंगे इतनी ज्यादा समझ नहीं आई फैंसी सी लगी उनको गाइस जितनी शॉपिंग हमने सदर तक करनी थी वो हमने कर ली और ईब हम निकलने लग रहे हैं बहुत भीड़ है भाई बहुत ज्यादा भीड़ है खाने के लिए लिया हमने गोला जय बजरंगबली पहुंच गए सेक्टर 14 कुछ सामान हमने यहाँ से लेना है तो मम्मी पर दोनों जगह आ रही मम्मी 14 में भी आ रहे हो ना आप 14 में भी आ रहे हैं मित्तू इधर नहीं है वो देखो आपको आपको तो कहीं जाना नहीं है देखो अभी तक और गाइस ये चप्पल देख रहे हैं देखो रंग बिरंगी ऐसी वाली सी कहाँ जाना आपको ऐसी पहन के एक महीने तो कहीं जाना नहीं है उसके बाद 2 महीने वैसे नहीं जाना फिर चप्पल तो अच्छा चप्पलों का भी इतना शौक है मम्मी के लिए देख रहे हैं तुमने नहीं लिया सच सच बताओ नहीं लिया नहीं लिया मूंग दाल खा रहा हूँ मूंग दाल चाट जो मैंने एक दिन शायद पहले भी व्लॉग में दिखाई थी सेक्टर 14 में मेरे को पहली बार मिली है यहाँ पे गुड़गांव के अंदर ये चीज़ और इनके लिए करवाए हैं मोमोज इन दोनों चटोरों के लिए और ये राम लड्डू करवाए हैं इधर ये देखो भाई तो जिसको भी खानी हो ना मूंग दाल हेल्दी वाली यहाँ सेक्टर 14 में मार्केट में खा सकते हो भाई तो भाई हमारी सारी चीज़ें आ चुकी हैं बिल्कुल ये देखो मोमोज चटनी हाय हाय तो भाई ये सब खाने के बाद में अब खाएंगे गोलगप्पे ये देखो भाई वाह 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 कर दो शुरू कर दो शाबाश ये देख लो भाई गोलगप्पे ये देखो भाई कल ना इनको गोलगप्पे अच्छे नहीं लगे थे जो मेरे वाले व्लॉग में खाए थे वो आए हाय हाय आए हाय हाय ओहो हाँ अब आए मज़े ऐसे तो बोलो मज़े ही मज़े ना खाओ 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 तुम खाओ तो गाइस देख लो दोपहर में आए थे हम और करते 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 पूरे 7:30 हो चुके हैं और अभी भी शॉपिंग बाकी बची हुई है क्या करें छोटी छोटी चीज़ें याद आ रही बिल्कुल छोटी छोटी पूरी गाड़ी भर दी यार पूरी गाड़ी गाड़ी फुल हम जो सोच के आए थे ना हम 2 शॉपिंग करनी थी मतलब एक तो ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी हम लोगों ने और एक मेरे को अपनी करनी थी पर वही होता है ना चाहे नोट डाउन करके भी ले आओ आप सारी चीज़ें पर जो सोचते हैं ना वैसा कभी नहीं होता और वही हुआ है और ये देखो दाल खाई थी वो गिरी हुई है मेरे ऊपर तो वाइज हम मैंने अपनी शॉपिंग करी है क्या क्या शॉपिंग करी वो दिखाई नहीं उसको उसका भी एक व्लॉग बनाएंगे आपको दिखाएंगे डिटेल में छोटी छोटी कितनी सारी चीज़ें हम लोग लेके आए हैं रात हो गई अभी दिन में आए थे मम्मी को बिल्कुल भी हमने वॉमिट नहीं होने दी पीछे का शीशा खुला है पकड़ के रखा हो तुमने मम्मी कितनी के बीच में लिमका पिलाई मम्मी थे फिर उतरने के बाद मोमोज वगैरह वो खिलाए फिर थोड़ी हंडाई तब जाके सही है ना मम्मी जीत खराब तो नहीं हो रहा ना ओके की रिपोर्ट है मम्मी की पर इतने दुखी हो गए इतनी गर्मी है ना भाई इतनी गर्मी है और भीड़ पूरा पीछे सामान आप देख ही रहे हो वैसे और बस कियांस के लिए भी छोटी छोटी उसकी चीज ली है और होने वाले बेबी के लिए भी सारी शॉपिंग उस दिन खत्म कराए थे सिर्फ बॉडी केयर की चीजें छोड़ के वो भी हमने सोचा था वो तो बाद में ले लेंगे पर आज फिर कुछ ना कुछ मम्मी बोली ये भी ले लेते हैं चलो ले लो तो बस अब फिलहाल निकल लिए हैं खा पी के और इतने थक गए कि जो ग्रोसरी वाली शॉपिंग करनी थी ना वो रह गई वो मैंने कहा फिर किसी और दिन देखें क्योंकि पैर दर्द करने लगे पैदल चल चल के 3 बजे निकले होंगे हम लोग 3:30 बजे ना
ढाई तीन बजे निकले थे और अब देख लो शाम को 7:30-8 का टाइम होने वाला है, अब जाएंगे घर पे। कैसा टेस्ट करा? ये तो बिल्कुल मीठा दे रखा है इसने। मीठा है, अब फ्रूट्स देख रहे हैं, छाट के दिया वैसे। मैंगो तो ले लिया हमने, आलू बुखारा देख रहे हैं, मेरा आलू बुखारा खाने का मन कर रहा था, इधर से मैंगो लिया। कैसा टेस्ट है? सही है, मीठा बता दे। शक्ल से तो अच्छे लग रहे हैं। आलू बुखारे 160। अब लेंगे लीची। अब ले ब्रेड, 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 ब्रेड और दूध। तो गाइस घर पहुंच गए हैं और ये देखो सबके हाथ में सामान देखो तुम एक बार। सब बुक हो रखे हैं सारे के सारे। क्या क्या लेके आए हैं वो दिखाएंगे आपको। गाइस घर पे आ गए हैं और अभी ना बिल्कुल 1% हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों को सामान दिखाऊं कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए। पहले यहाँ से सदर गए, फिर सदर से हम लोग 14 गए, क्योंकि एक दो सामान उधर से लेना था जो उधर नहीं मिला। तो पैदल चल चल के आप सोच सकते हो कितना, मतलब गए वैसे गाड़ी से पर घूमना भी पड़ता है ना चीज़ें लेने के लिए थोड़ा बहुत। जब तक लड़कियाँ बार्गेन ना करें तो वैसे मज़ा नहीं आता। तो बस कुछ तो मैं अपना वैसा सामान लेके आई हूँ, मतलब जो चीज़ें मुझे लाइक जो डिलीवरी डे वाले दिन मुझे चाहिए जो मेरे पास नहीं थी, मुझे ये था कि हाँ लेके आनी है, लेके आनी है। बट मेरे को ना एक ऐसा लग रहा था यार मेरे को सदर जाना पड़ेगा, वहाँ से लेके आना पड़ेगा, तो बड़ा वो लग रहा था। फाइनली आज वो काम भी निपटा दिया, फिर साथ में और भी बेबी की भी शॉपिंग करके लेके आ गए, मम्मी के लिए भी शॉपिंग कर ली। तो वो ना आने वाले किसी व्लॉग्स में दिखाऊंगी, मैं इसमें नहीं दिखा रही क्योंकि मेरी हिम्मत है नहीं। इधर ये भी लेट गए हैं। मित्तू आपकी हिम्मत है दिखाने की शॉपिंग? सच में मम्मी गई है नहाने के लिए, वो भी बहुत थक गई है। तो बस आज के व्लॉग को यहीं करते हैं एंड पर। हाँ, या तो कल वाले व्लॉग में या इससे नेक्स्ट वाले व्लॉग में जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।